मध्य प्रदेश के मंडला जिले में एक 21 वर्षीय लड़की बेसुध अवस्था में सड़कों पर घूमती मिली। कुछ सामाजिक कार्यकर्ताओं की नजर उस पर पड़ी, जिन्होंने उसे स्वधार गृह पहुंचाया गया, जहां से उनके परिजनों को सूचना दी गई और उनके सुपुर्द कर दिया गया। कई महीने से ये लड़की मंडला जिले की गलियों में घूम रही थी, लेकिन किसी भी व्यक्ति की नजर इस पर नहीं पड़ी। ये लड़की एक महीने पहले मंडला के नैनीपुर इलाके में देखी गई, जिसे पुलिस और समाज सेवियों की मदद से मंडला के स्वधार गृह लाया गया। यहाँ से पिछले दो दिन पहले ये लड़की भाग गई, जिसे मंडला के आजाद वार्ड में देखा गया, जिस पर समाज सेवियों की नजर पड़ी और उस लड़की से बात की। तब उसने कागज में लिखकर अपना पता और फोन नंबर बताया, जिसके बाद फौरन ही इसके परिजनों से बात की गई और युवती से मिलाया गया। इस तारीख को अभी 29 सितंबर को और नैनपुर थाना के माध्यम से यहाँ स्वधार गृह लाया गया और वो लगभग एक माह से यहाँ रह रही है। उसकी हम लोग पूरी देख रेख कर रहे हैं। वो क्या है कि अब मानसिक रूप से विक्षिप्त तो नहीं कह सकते, क्योंकि उसका मेडिकल हम लोग यानी मेडिकल नहीं हुआ था, लेकिन उसकी ऐसी ऐसी हरकतें थी कि हमारे यहाँ भी क्या है कि 4 महिलाओं के हम लोगों ने डिलीवरी करवाया, तो वो छोटे से बच्चे हैं, कोई एक माह की है, कोई 12 दिन का बच्चा है, तो वो ऐसी हरकतें कर रही थी कि पानी टंकी में ले जा के बच्चों को डुबा रही थी। तो फिर उसको हम लोग समझा के एक माह तक रखी और उसका नहलाना धुलाना पूरी तरह से खाना खिलाना सब, फिर भी उसकी हरकतें ऐसी थी यानी कि वो भाग कह रही थी कि बस मैं यहाँ नहीं रहती, भाग जाऊँगी। फिर उसको आज उसके परिजन उसका यानी परिजन का पता लगा है, तो परिजन आए हुए हैं, उसमें उसकी माँ है। लगभग 7:30 बजे समथिंग शाम के सीता गोप जी का फ़ोन आया मेरे पास कि आजाद वार्ड में एक बच्ची 18 से 20 साल की लड़की गिट्टी में डली हुई है, जो जिनके कपड़े भी अस्त व्यस्त हैं, तो आप भैया जल्दी आइए। तो मैं वहाँ गया और वहाँ जाके हमारे मित्र विशाखू नंदा जी को भी फ़ोन किया। जब हम लोगों ने देखा कि यार ये लड़की का मानसिक संतुलन भी कोई सही नहीं लग रहा है, इसके कपड़े में भी नीचे साल अकेले पहनी है, हमने पुलिस को सूचना दी। पुलिस आए, पुलिस ने भी ये कहा कि भाई ये आप 108 एम्बुलेंस वगैरह बुला के इनकी व्यवस्था करके, क्योंकि हम लोग वहाँ थाने में नहीं रख सकते हैं। 108 बुलवाया गया, हॉस्पिटल ले गए, हॉस्पिटल में उनको वो करने के बाद, और उस बच्ची से जब हम लोगों ने इंक्वायरी ली तो उस बच्ची ने ये समझ में आया कि लिखित में जो दिया उनकी वेल एजुकेटेड लड़की समझ में आई, और उन्होंने पटना का अपना एड्रेस दिया, कविता साहू ऐसा नाम उन्होंने बताया, पिता का नाम गोपाल साहू बताया। उस एड्रेस में हमारे मित्र ने फ़ोन लगाया और उनके भाई से बात हुई। पटना के साहू परिवार की ये लड़की कविता, जो कि करीब 4 वर्ष से मानसिक रोग से ग्रस्त थी, जिसके इलाज के लिए परिवार के लोगों ने खूब प्रयास किया, लेकिन इलाज के दौरान ये लड़की भाग निकली। उसके गुम हो जाने के बाद परिवार के लोगों ने खूब ढूंढने की कोशिश की, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। काफी दिनों बाद उनकी बच्ची मंडला में मिली, जिसकी वजह से पूरा परिवार बेहद खुश है। बहन का 3-4 साल से ये प्रॉब्लम हो रहा था और 2-3 बार, ये चौथा बार जो है भागी है, और 2 बार हम कोटा से लाए हैं और 1 बार जलोर से, और इस बार जो है यहाँ आपका मंडला में जो है सुधार गिरी के में जो है सर लोग फोन किए हैं, उन लोग के सहयोग से जो है प्राप्त हुई है। हम लोग खोज करके बहुत थक गए हैं थे। अच्छा, गुमशुदगी की रिपोर्ट आपने कब दर्ज करवाई थी? गुमशुदगी की सर बृहस्पतिवार को दर्ज करवाई थी, और उससे पहले भी गए थे, मगर हम लोग का जो थाना इंचार्ज है वो कुछ सहयोग नहीं करता है। उससे पहले भी हम लोग दिए थे, मगर कोई सही नहीं। हम लोग जो है स्वयं ढूंढ करके, और या तो कहीं पर मिल जाती थी तो वहां से फोन आ जाता था, तो हम लोग तुरंत वहां से उनको रिसीव कर लेते थे। बता दें कि कविता मानसिक रूप से विक्षिप्त है, हालांकि परिवार कविता के मिलने के बाद से काफी खुश है। पंजाब केसरी टीवी के लिए मंडला से अरविंद सोनी की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।